दोस्तों, गुलजार साहब को आप सब एक बहुत बड़े शायर और गीतकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे गुलजार से आपको मुखातिब करूंगा जिसे आप या तो बिल्कुल नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं। गुलजार द स्टोरी टेलर। उनकी लिखी हुई कई कहानियों में से मेरे दिल के बहुत करीब है एक कहानी जिसका नाम है सनसेट बुलेवार्ड। आज मैं यही कहानी आपको सुनाऊंगा। गुलजार साहब की कहानी में आने से पहले सनसेट बुलेवार्ड की क्या अहमियत है और क्या वजूद है ये भी जान लीजिए। बुलेवार्ड का लिटरल मतलब होता है रास्ता। सनसेट बुलेवार्ड यानी वो रास्ता जहां से सनसेट दिखाई देता है। 1950 में सनसेट बुलेवार्ड नाम की एक हॉलीवुड फिल्म आई थी जो बहुत बड़ी हिट हुई और एक क्लासिक है, आज तक देखी जाती है, आज तक उसके बारे में बातें होती हैं। ये कहानी थी नॉर्मा नाम की एक फिल्म एक्ट्रेस की, जिसकी शोहरत और उम्र दोनों ढल चुकी है, लेकिन वो अब तक अपने पुराने दिनों में गिरफ्तार है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका वक्त गुजर चुका है। वो दिन और थे जब उसकी गाड़ी घर से निकलती थी तो नौजवान लड़के सड़क पर आके लेट जाते थे। अब तो बस इक्के दुक्के लोग ही उसे पहचानते हैं, लेकिन शोहरत का अपना भरम होता है, आसानी से टूटता नहीं, और कभी कभी तो सांस टूट जाती है, लेकिन ये भरम नहीं टूटता। ये सुबह की सफेदियां, ये दोपहर की जर्दियां, अब आईने में देखता हूं मैं कहां चला गया। इसी खोए हुए मैं की कहानी है सनसेट बुलेवार्ड, जिसे लिखने के लिए गुलजार साहब ने कलम स्याही में नहीं आंसुओं में डुबोई होगी। ये कहानी है चारुलता की, जो कभी बहुत मशहूर फिल्म स्टार थी और अब सनसेट बुलेवार्ड नाम के अपने बंगले में दुनिया से दूर, ग्लैमर से दूर जी रही हैं। उनके जीने के दो ही सहारे हैं, एक गुजरे हुए अच्छे दिनों की याद और दूसरा ये उम्मीद कि वो दिन फिर से लौट के आएंगे। पोस्टमार्टम के वक्त भी मिश्रा जी का वो विजिटिंग कार्ड लाश की मुट्ठी में भिंसा हुआ था। उस रोज भी चारू जी अपने मामूल के मुताबिक सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, लेकिन मामूल से थोड़ी सी ज्यादा उत्साहित थी। सुबह सैर को जाया करती थी हमेशा ही की तरह से, अच्छी तरह से, बाल कंघी, हल्की सी क्रीम, ताकि जिल्द पर उम्र की झुर्रियां होते हुए भी बुढ़ापे के फटे हुए रेशे नजर न आए। पोशाक तो हमेशा उनकी अभिरुचि और सलीके का सबूत देती थी। शिवदत्त से हमेशा कहा करती थी, देखो आज भी लोग हमें देखते हैं तो कनखियों से खुसर खुसर करते हैं, इशारे करते हैं कि चारू लता जा रही है। खुद के लिए ना सही, अपने प्रशंसकों के लिए हमें सही सलीके से रहना चाहिए। शिवदत्त उनका खानसामा था। उनके सामने गया तो आईने के सामने खड़ी खुद से ही कुछ बात कर रही थी, जरा सी झेप गई। शिवदत्त मुस्करा दिया, इस उम्र में भी मैडम की शर्माने की अदा कमाल थी। इसी अदा ने तो जवानी में लाखों दीवानों की जाने ले ली थी। शिवदत्त, कोई गोपालदास मिश्रा आने वाले हैं हमसे मिलने, जरा चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना। कौन है? जरा तामुल से शिवदत्त ने पूछा। कोई राइटर हैं, हम पर किताब लिखना चाहते हैं। उस रोज चारू जी की चाल में इसीलिए उत्साह कुछ ज्यादा था। फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने के इतने साल बाद किसी को तो उस एकाकी जीव का ख्याल आया। शुरू शुरू में बहुत जर्नलिस्ट आया करते थे उस दूर दराज के बंगले पर, महाबलेश्वर रोज रोज कौन आता है। और चारुलता भी बहुत साल अपनी एक लहर पलट की उम्मीद पर जीती रही। लहर पलट यानी वो गुजरे हुए दिनों की लहर फिर पलट के आएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आना जाना कम हो गया। कुछ उम्र रसीदा किरदारों के रोल भी पेश हुए, लेकिन बूढ़ों के रोल चारू जी ने मंजूर न किए। आईने के सामने खड़े होकर थोड़ी ऊंची करके अक्सर देखा था खुद को, गर्दन पर कोई सिलवट नहीं थी, उम्र का कोई निशान नजर न आया। खुद से कुछ मुकालमे भी हुए यानी बातचीत। अक्स ने कभी ना बताया कि तुम्हारी उम्र हो गई है, ये अक्स सिर्फ फिल्मों में बोलते हैं। अक्स यानी परछाई, आपकी वो इमेज जो आपको आईने में दिखती है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि लोग अपनी ही इमेज से बात कर रहे हैं, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहनी ने जरूर कहा था पहले हार्ट प्रॉब्लम के बाद, देखो तुम्हारा दिल अब इतना सब नहीं सह सकता, जितना बोझ उस पर डालती हो किसी दिन खड़े खड़े फ्यूज उड़ जाएगा।
सिंह साहब होते तो शायद। शिवदत्त ने खबर दी, मिश्रा जी आए हैं। हैं? हाँ मिश्रा जी। ओ, इंतजार के बावजूद चारुलता नाम सुनकर चौंक गई। बिठाओ बिठाओ, नीचे हॉल में बिठाओ। और सोफों के गिलाफ उतार दिए थे ना? जी मैडम। और शैंडलियर रोशन कर दिए थे? जी मैडम। शिवदत्त अपना कर्तव्य खूब समझता था। वो आज भी मैडम की धाक जमा कर रखता था लोगों पर। कभी कभार किसी प्रशंसक का कोई खत आ जाता तो वो बाजार में 10 जगह जिक्र करता। चारुलता जी ने नेकलेस पहनते पहनते महसूस किया कि उनकी गर्दन कुछ दुबली हो गई है। गुलबंद होता तो ये कमी छुप जाती, लेकिन उसे बिके तो 2 साल हुए। 3,000 का लिया था किसी जमाने में, अब बिका 30,000 का। सिंह साहब होते तो कभी बेचने ना देते। चारुलता जब सीढ़ियों से उतरी तो बिल्कुल फिल्म का किरदार लग रही थी। अभी आवाज आएगी, स्टार्ट साउंड कैमरा। मिश्रा जी हॉल में लगे कुछ संगमरमर के बुतों को गौर से देख रहे थे। उनके हाथ में एक पैड नुमा कॉपी थी जिसमें शायद कुछ नोट भी कर रहे थे। चारू जी को देखकर मिश्रा जी ने बड़े अदब से नमस्कार किया। तशरीफ रखिए। मिश्रा जी बा अदब सोफे पर बैठ गए। बड़ा असर पड़ता था चारू जी की शख्सियत का। बहुत देर तक मिश्रा जी के मुंह से कोई बात ना निकली। शुक्र हुआ कि शिवदत्त चाय की ट्रे लेकर आ गया, 2 तश्तरियों में कुछ मीठा कुछ नमकीन। चारू जी ने चाय बनाई। मेरा पता कहां से मिला? गोयल साहब ने दिया, आपके मैनेजर है ना बंबई में। बहुत अच्छा इंसान है गोयल, बहुत साल मेरा काम संभाला है उसने, अभी भी वही देखरेख करता है। चाय लीजिए। फिर एक वक्फा तैरता हुआ बीच से गुजर गया। चारू जी खुद ही बोलने लगी, मैं बहुत तन्हाई पसंद हूँ, ज्यादा काम करना कभी पसंद था ही नहीं। उस वक्त भी ज्यादा फिल्में नहीं की जब दिन रात प्रोड्यूसरों का तांता लगा रहता था, बस भाग कर यहीं आ छुपा करती थी। मैं आपका मकान देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, तशरीफ लाइए। चारू जी उन्हें साथ लेकर संगमरमर के उन बूतों के पास खड़ी हो गई। इटली से लाई थी ये जोड़ी, बड़ी मुश्किल हुई थी इसे सही सलामत यहां लाने में। कई साल तो मेरे बंबई वाले मकान में रही, आपने तो शायद उसे देखा नहीं होगा। नहीं, बड़ा मुख्तसर सा जवाब था लेकिन मुस्कुराहट काफी लंबी थी। बरामदे से गुजरते हुए चारू जी ने बताया, बड़े शौक से मकान बनवाया था हमने, सिंह साहब से बड़े झगड़े हुआ करते थे तब, कभी पत्थर के चुनाव पर कभी लकड़ी के इंतखाब में। ये टाइलें सिंह साहब बेंगलोर से लाए थे। मकान का नाम मैंने एक अंग्रेजी फिल्म से रखा था, सनसेट बुलेवार्ड। और ये पिंजरा जिसमें कभी कोई परिंदा नहीं रखा हमने, पता नहीं क्यों उठा के लाए थे एक रोज। और वो जोर जोर से हंसने लगी जैसे कोई सीन कर रही हूं। एक बार शिवदत्त ने भी बाहर झांक कर देखा, इस तरह हंसते तो कभी नहीं देखा था मैडम को। हाँ वो जमाना था जब नूर और नीला आ जाया करती थी उनकी हमउम्र हीरोइनें। चारुलता सीढ़ियां चढ़ते हुए कह रही थी, बस यही कहती, मुझी को कैद कर लो इस पिंजरे में। वो कहते तो फिर उसे भी संगमरमर का बनवाना पड़ेगा। संगमरमर बहुत पसंद है मुझे, उस पर नंगे पैर चलते हुए बहुत अच्छा लगता है। सिंह साहब को ये उन्हीं का पोर्ट्रेट है, वो कद्दे आदम तस्वीर थी सिंह साहब की। ऊपर के बरामदे में लगी, दोनों तरफ 2 शमादान। शिवदत्त ने शमें जला दी, वो जानता था मैडम वहां जरूर आएंगी। चुपचाप कुछ देर वो एकटक सिंह साहब के चेहरे को देखती रही, फिर आहिस्ता से दोनों लबरेज आंखें पोंछ ली और सर झुकाकर मुड़ गई। मिश्रा जी पीछे पीछे चल रहे थे और वो कह रही थी, बड़ी छोटी थी हमारी शादीशुदा जिंदगी, सिर्फ 3 साल 4 महीने और 18 दिन। एक बार फिर उन्होंने सुबकी ली। शिवदत्त हॉल से ट्रे हटा चुका था। पानी के लिए एक बार चारू जी ने आवाज दी, जवाब न पाकर समझ गई बाहर होगा बाग में। ये खामोशी का वक्फा अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुड़कर मिश्रा जी से कहा, आपको कुछ पूछना है? इस घर का रकबा कितना होगा? रकबा यानी एरिया। चारू जी ने कुछ मुंजमित सी आंखों से देखा मिश्रा जी की तरफ। रकबा? हाँ, और बिल्डअप एरिया? चारू जी कुछ बुझ सी गई, धीरे से कहा, गोयल को मालूम होगा। कोई बात नहीं, मैं गोयल साहब से मालूम कर लूंगा। मिश्रा जी खड़े हो गए। चारुलता सोफे के बाजुओं पर पूरा जोर देकर खड़ी हो गई।
आपको गोयल ने किस लिए भेजा था? ये मकान देखने के लिए? कहा था शायद जल्दी बेचना पड़े, देख के रखो कोई ग्राहक तैयार हो जाए तो। आपका नाम? चारुलता ने बड़ी तुरशी से पूछा। धीरज मिश्रा, मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर हूं, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने की दलाली करता हूं। उसने अपना कार्ड सामने कर दिया। अचानक उनका चेहरा सुर्ख हो गया। एक बार चिल्लाना चाहा लेकिन जब्त कर गई, गले से आवाज नहीं निकली, सिर्फ हाथ के झटके से उसे बाहर जाने का इशारा किया। ब्रोकर ने सफाई देने की कोशिश की। देखिए, गोयल साहब ने आपसे बात करने के लिए मना किया था, कहा था कि शायद आपको। गेट आउट! इस बार चारुलता चिल्लाई लेकिन आवाज में एक खरखराहट सी आके रह गई। ब्रोकर घबरा के फौरन ही चल दिया। कार्ड हाथ में लिए चारुलता उसे बाहर जाने तक देखती रही। मुड़कर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ही वो लड़खड़ाई। दिल का दौरा पड़ा और पोस्टमार्टम के वक्त भी वो विजिटिंग कार्ड लाश की मुट्ठी में भिजा हुआ था।